गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड मैं हूँ आपका लियान लोलिन। एंड आप सबको पता है कि मैं जम्मू में हूँ एंड मैं ये सोच रहा था कि जब मैं जम्मू में हूँ तो कोशिश करता हूँ आपको जम्मू के कुछ प्लेसेस दिखाने के लिए। एंड मेरे आज दिमाग में ये आया है कि मैं आज आपको जम्मू के दो जगह ले चलूँगा। पहला है आपका हरि निवास पैलेस जो एक म्यूजियम है एंड दूसरा है आपका जम्मू जू। एंड व्हाई आई एम टेकिंग यू टू दिस टू प्लेसेस इट्स जस्ट बिकॉज दीज टू प्लेसेस आर क्वाइट एक्सेसिबल एंड उसी के दौरान हम आज के दिन यहाँ से शुरू करते हैं, तो मेरे साथ बने रहना। वेल, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि आपका जो कमरा है इसमें पेंट करवाना है, नया कर्टन्स लगवानी है, तो आप एक बार मेरे रूम को इस तरह से अच्छी तरह से देख लो एंड मुझे अपनी अपनी फीडबैक एंड अपनी अपनी राय जरूर देना। ये कश्मीरी कहवा जो मेरे बर्थडे के दिन मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था। सो मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे पूछेंगे अब कहवा क्या होती है। अब मैं ये आपको बता दूं कि कहवा जो होती है वो है आपका कश्मीरी चाय। एंड ये जो थोड़ी सी क्लिप है ये उन फ्रेंड्स के लिए है जिसने मुझसे काफ़ी बार पूछे हैं कि ये जो फर्नीचर्स, टीवी एंड जो आपका बेड एंड एवरीथिंग जो यहाँ पे है वो क्या सरकार की तरफ से दिया हुआ है। तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि ये दीज ऑल आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। बहुत टाइम हो गया मैं सिनेमा घरों में गया नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ पहले मैं PVR हो आता हूँ एंड आज मैं देखूंगा मैडम चीफ मिनिस्टर, लेट्स सी कैसा होता है। एंड बहुत टाइम बाद जा रहा हूँ तो काफ़ी एक्साइटमेंट है। अच्छा किया कि मैंने अपनी पावर बैंक भी ले लिया, तो मैं भूल जाते हैं। आई फॉरगॉट माय वॉलेट एंड आई एम गोइंग टू टेक माय वॉलेट फर्स्ट। जो ब्रिज देख रहा है ये है आपका तवी रिवर के ऊपर एंड इस नाम से बस रिवर है, बाकी यहाँ पे प्लास्टिक ज़्यादा आपको मिलेगा नीचे। सब मैं आया हूँ KC जम्मू PVR एंड देखते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ इसके अंदर कैसा दिखता है। पहले आया हूँ पांडा चूक एंड यहाँ देखो आप काफ़ी भीड़ भाड़ है। एंड जब आप यहाँ आओगे तो आपको ये सारे एनिमल्स आपको देखने को मिल जाएगा, बर्ड्स एंड एनिमल्स। एंड यहाँ आते हैं आपको ऐसा खूबसूरत सा पार्क देखने को मिलेगा जो दिल्ली साइड में कहते हैं पार्क। मुझे ये उम्मीद नहीं था कि यहाँ पे इतना सारा क्राउड होगा, बट आई नोटिस वन थिंग दैट यहाँ देयर आर लॉट ऑफ क्राउड। तो यहाँ जू में पहले आते ही आपको ये कैट देखने को मिल जाएगा, फेलिस कैटस, एंड मैंने भी कभी देखा नहीं है। चलो देखते हैं कैसे लगते हैं, देखने में तो बड़ा क्यूट सा है। गाइस आप देख सकते हो ये अंदर आराम से लेटा हुआ है रिलैक्स मोड में। सरप्राइजिंगली ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कोरोना ख़त्म हो चुकी है एंड लोग बिना मास्क के आराम से घूम रहे हैं यहाँ पे। वैसे फेलिस कैटस के आँखें देख कैसा लगता है, जैसे ऐश्वर्या की आँखें उसने उधार ले ली। और आप ऊपर देख सकते हो उल्लू एंड उसके साथ साथ उसमें चिकन भी रखा हुआ है, हमें भी उतना चिकन खाने को मिलता नहीं है और ये यहाँ पे ऐश कर रहे हैं। एंड यहाँ ऑल के साथ साथ है आपका गबरू एंड गबरू बहुत आलस में है आज और वो बाहर निकल नहीं रहे। एंड यह है आपका लेपर्ड जो हमें बिल्कुल भी भाव नहीं देते हुए। और आप यहाँ देख सकते हो काफ़ी सारे हिरण हैं। मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ आने के लिए आपको बस एक आदमी का पर पर्सन कॉस्ट पड़ेगा 20 रुपये एंड बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है लेकिन वर्थ है यहाँ आना। जो लोग आलसी है उन सब के लिए अच्छे एक्सरसाइज भी हो जाएंगे, तो एक बार ज़रूर आना। कछुए, कछुआ या कछुए, टॉर्टोइस, काफ़ी सुंदर जगह इसने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है स्पेशल इसके लिए फूल वूल। मुझे आप लोगों के बारे नहीं पता लेकिन मुझे पर्सनली जंगल, पेड़ पौधे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि शायद मैं एक आदिवासी हूँ, शायद इसी की वजह से जब जंगल देखता हूँ तो मुझे खुशी मिलती है बहुत ज़्यादा। वैसे आपको कोरोना से बचना हो तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि सैटरडे संडे ना आए, आप वीक डेज में आ सकते हो ताकि इतने सारे क्राउड आपको देखने ना मिले जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ है डक एंड बंदर की दोस्ती, आप देख सकते हो यहाँ पे ये होती है माँ की प्यार। गाइस देख सकते हो आप कितने प्यार से अपने बच्चे के जुआ निकाल रहे हैं। ये आंटी बड़ी मेहनत कर रही है, देखो क्या कर रहे हैं।
ये जगह एक्चुअली बहुत सुंदर है एंड आप यहाँ एक एनिमल्स को भी देख सकते हो, साथ ही साथ में आप अपना एक पार्क समझ के आ सकते हो। Guys, look at these birds. They are so beautiful. पता नहीं इंडिया का है या कहाँ से आया है। I don't know कबूतर यहाँ क्यों रखा है। कबूतर तो हमें अपने घर के आंगन में भी देखने को मिल जाते काफी। Really guys, मैं अब मेरे संदीप भैया से पूछता हूँ कि यहाँ 20 रुपए में आना बनता है कि नहीं बनता, भैया बता दो। 20 रुपए में आना, ऐसे भी आना बहुत अच्छा है। बहुत चीज आप देख सकते हैं ये वीडियो में। हाँ। और पार्क भी है बहुत अच्छा। कहीं से नुकसान नहीं है 20 रुपए में। आप मतलब आप ये कहोगे कि 20 रुपए में आना बनता है, ये कहना चाह रहे हो। चलो बहुत ही बढ़िया बात है। तो हम अब यहाँ से निकलते हैं एंड हम चलेंगे हरी महल की तरफ। तो मेरे साथ बने रहना एंड आई विल सी यू देयर। दोस्तों, आप लोगों में से किसी को पता हो कि इस दुनिया में पहले अंडे आए थे या हैन? तो इसका जवाब आपको पता है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। गाइस, तो फाइनली हम आए हैं हरी पैलेस एंड मैं आपको दिखाता हूँ बाहर कैसा दिखता है ये। एंड ये आप देख सकते हो मेरे पीछे का व्यू इस तरह से जो दिखता है। एंड आगे की ओर देखोगे तो आपको इस तरह दिखने को मिलेगा हरी पैलेस। खैर, मैं कोई इतिहास का टीचर तो नहीं हूँ लेकिन बस ये बता सकता हूँ कि अंदर जाने से आपको 20 रुपये लगते हैं यहाँ भी। अब मैंने टिकट ले लिया है, अब मैं जा रहा हूँ गार्डन की तरफ एंड वहाँ से आपको मैं एक बार इसका बाहर का व्यू दिखाता हूँ। See these beautiful traditional dresses from Kashmir. Guys, yeah, सारा चीज़ें self-explanatory है, so you can come and just have a visit. And आप जब अंदर से बाहर आते हो तो आपको यहाँ बहुत सुंदर सा व्यू देखने को मिलेगा एंटायर जम्मू का जो इस तरह दिखता है। ये रहा, आप आके देख सकते हो वहाँ पे पूरा जम्मू है। वैसे इफ यू आर अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री देन यू कैन डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय।